आज की हमारी क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस कि लॉजिकल ऑपरेशंस हम किस तरह से करेंगे इसके बारे में। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में जाना कि मैथमेटिक्स में किस तरह से ऑपरेशंस की जाती है? तो मैथमेटिक्स में हमने आपके साथ बात किया था जोड़ घटाव गुणा भाग। अब हम बात करते हैं कि यहाँ एक्सेल के अंदर लॉजिक ऑपरेटर कैसे लगाएंगे। तो लॉजिक ऑपरेटर होते कितने, क्या क्या है? इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे मुझे चेक करना है कि कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। बस मुझे चेक करना है कि कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो आपको यहाँ पे जस्ट इसको सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 50 और एन डबल्स कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स में। क्या आ जाएगा? ट्रू एंड फॉल्स में। ये जो ऑपरेटर्स हैं आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इसके लिए तो हम इफ का यूज करते हैं। तो इफ का यूज हम ये हाँ चेक करने के लिए नहीं करते हैं कि 50 है नहीं है। ये जो ट्रू फॉल्स है ना, उसको अपने खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगाया कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ग्रेटर देन, या डायरेक्ट ए डाल टू दीजिए ए इसको, टू हाँ लाइट इसको डाल दीजिए और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके और यहाँ पे कर दिया हमने पेंडिंग। ठीक है, एंटर प्रेस किए ओके आ गया। तो बी इसने क्या किया, इसने बोला बी टू पे ट्रू है इसलिए इसने ओके दे दिया। कुछ लोग हैं कि इसको भी इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है क्योंकि आपका ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू एंड द लास्ट ट्रू ही होगा ना सर। हाँ तो इफ भी आपको ट्रू के अकॉर्डिंग ही चलता है कि बी टू पे अगर ट्रू हुआ तो ओके को शो करेगा, बी टू पे अगर फॉल्स हुआ पेंडिंग को शो करेगा। सिंपल। ओके लेकिन क्या है कि हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं इस तरह से कि ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे ओके अदरवाइज पेंडिंग। समझ गए? तो ठीक यहाँ है पे ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है आंसर, ये ठीक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ। इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ का पार्ट नहीं। यहाँ पे हमने मर्ज किया है। क्या किया है? मर्ज किया है। ओके ठीक इफ कहता है है ट्रू फॉल्स दो, तो हम अलग सेल में लगाए लॉजिकल ऑपरेटर्स की ट्रू फॉल्स हो, उससे अच्छा है कि हमने यहाँ पे A3 ग्रेटर देन 50 दे दिया डायरेक्टली। ठीक है सर? जी तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं इफ के साथ। तो चलिए इफ के कुछ एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसे कि ये सेल्स था, इसी सेल्स को कॉपी करके ले चलता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके सामने मान लीजिए कि इसमें से जो ग्रेटर देन 50 है उसको मुझे 100 को 100 देना है। ग्रेटर देन 50 वाले क्या देना है? 100। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इफ इज ग्रेटर देन 50 देन 100, एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आया। लेकिन जब नीचे ड्रैग करेंगे तब क्या होगा, आपको फॉल्स आएगा। और फॉल्स क्यों आया? क्योंकि इफ कहता है कि मेरे पास दो इनपुट्स है, मतलब कि दो रिजल्ट है, आपने सिर्फ एक ही दिया। फॉल्स तो दिया ही नहीं, दिया फॉल्स नहीं दिया, ओके इसलिए वो फॉल्स 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 शो कर रहा है। क्योंकि अगर आप दोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, अगर नहीं दोगे तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो यहां हमने क्या कर दिया, जीरो डाल दिया। जीरो डालने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, जीरो आ गया। अब कुछ लोग ठीक कहते है हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर जीरो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर ब्लैंक चाहिए क्योंकि मुझे कुछ दिखाना ही नहीं, डालना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है जी इन्वर्टर को ओपन क्लोज एंटर प्रेस किए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए, तो रिजल्ट आ गया आपका ब्लैंक 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 ब्लैंक। लेकिन जब ब्लैंक आया, ब्लैंक कैसे आया सर ब्लैंक कैसे आया सर क्योंकि हमने फॉर्मूला में इन्वर्टर कॉमा के ऊपर एंड क्लोज कर दिया। अच्छा वैसे आ जाएगा ब्लैंक है जी हाँ, नथिंग, मतलब कि कुछ इस बीच में कोई टेक्स्ट नहीं डाला तो नथिंग शो करेगा। तो ओके ये नथिंग तो ओके शो कर रहा है लेकिन ये टेक्स्ट कैटेगरी का है, इसका
क्या बोलते इसको, इसका कास्ट हो, परिवर्तन हो गया सर, कास्ट चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, ये न्यूमेरिक, हाँ, न्यूमेरिक से बदल गया। अब इसमें आप कोई मान लीजिए कोई कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि ये आ गया आपका ब्लैंक। ब्लैंक होता है टेक्स्ट, और जाहिर सी बात है टेक्स्ट में हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है सर। तो ठीक है जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो जीरो का इस्तेमाल करें, अगर ना करना हो तो स्पेस का इस्तेमाल करें। इसका सॉल्व इन ऑर्डर को मैं ओपन एंड क्लोज कर, ओके। अब ओके चलिए कुछ और एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नेम डालते हैं, नेम पूजा, मोहन, उदय, टीना, इंदर, मान लीजिए इतना ही नाम लेते हैं, नीचे से ड्रैग कर लेते हैं। अब मैं इस सारे नाम को सेलेक्ट करके शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ कस्टम शॉर्ट में जाता हूँ, शॉर्ट A to Z। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंदर इंदर मोहन 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 आ रहा है, रिपीटेड है। तो मैं शॉर्ट इसलिए किया जी था कि सारा जो नाम है ना इकट्ठा हो। थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जो मिक्सअप है वो इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सारे इंदर आ गए, सारे मोहन आ गए, सारे पूजा आ गए। अब मुझे क्या करना है कि जो पहला इंदर है उसके सामने डी लगाना है, यू लगाना है, बाकी सब में डी लगाना है। तो कंडीशन दिया ओके इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए आ जाए डी मतलब डुप्लीकेट, और यू मतलब यूनिक। तो अभी क्या A2 A1 के बराबर नहीं है ना, क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट यू आएगा। ओके आगे लो, अब नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं। देखा है यू है, यहां भी यू है, यहां भी यू, समझे कि रिजल्ट? एक, अच्छा A2 किया ना। हमने बोला कि A2 बराबर A1 की, अगर ये दोनों बराबर हैं तो D आया, यू आया। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है, मे और इंदर है। हाँ पर सर A1 पे तो नेम लिखा हुआ केवल। तो बराबर नहीं, इसलिए यू आया ना, फॉल्स पार्ट आया। D हाँ, यू आया तो फिर D क्यों आया? नीचे आया ना, अब इंदर इंदर बराबर है ना दोनों, क्योंकि हम नीचे जब इसको अच्छा, ड्रैग उसको किए, अच्छा, हाँ, वो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, वो चेंज हो ये जाएगा। बेनिफिट है इसका। चलिए इसी में एक और करते हाँ हैं। मान लीजिए मुझे सीक्वेंस नंबर देना है, इस तरह से 1 2 3 4, बस वापस 1, समझे? तो हाँ इसके लिए भी इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दो, अदरवाइज 1 कर दो। रिजल्ट क्या आया? 1 आया। और नीचे मैं ड्रैग करता हूँ उसको, देख रहे सर, यहाँ सीक्वेंस नंबर हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऊपर ओनली 1 था, उसमें +1 करके 2 दिखा दिया इसने, यहाँ देखिए 3 दिखा दिया। ओके ओके तो नीचे तक इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सीक्वेंस नंबर बन जाएगा, समझ गए? ठीक अब सीक्वेंस नंबर की बात चली है तो चलिए एक और बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे नंबर है, ने हम यहाँ पे एक लिखते हैं आईडी, आईडी हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिटी, एड्रेस बैठे, और तो बहुत सारी चीजें होगी। तो मुझे क्या करना होता है कि मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर नाम लिखता हूँ पूजा, सिटी लिखता हूँ दिल्ली, फिर वापस यहाँ पे 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे मैं नेम लिखूँ मेरा सिक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। जैसे ही मैं नेम लिखूँ मेरा सिक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हम करते हैं इफ अपने ऊपर वाले वैल्यू में इक्वल करते हैं, फिर यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ करते हैं इफ, अगर ये वैल्यू जो है A3, अगर ए ग्रेटर देन 0 है। तो हमने ग्रेटर देन 0 क्यों किया?
क्योंकि कुछ जीरो है, इसका मतलब कि ब्लैंक है। एक्सेल ब्लैंक सेल को जीरो समझता है, जीरो मतलब ब्लैंक सेल। तो जीरो के अलावा कुछ और है, इसका मतलब है कि उसमें वैल्यू डली हुई है। तो हमने बोला कि अगर बी थ्री जीरो से बड़ा है, मतलब उसके अलावा कुछ है, तो इसका मतलब कि नेम टाइप हुआ है। इस केस में आपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। ठीक है सर। ठीक अब इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ दिया। अब यहां पर जैसे ओम लिखता ठीक हूं, एंटर मार तो आ गया। ओके इंदर, उदय, कविता, आ गया सर। ठीक है जी। तो सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाया। अब चलिए सीक्वेंस हाँ नंबर जी की बात हो रही है, तो एक और काम करते हैं। मेरे पास यहाँ स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कि मैं, और यहाँ पे एंड है। मैं चाहता हूँ कि 5 से लेके 20 तक का सीरियल नंबर जनरेट, मैं जो भी नंबर डालूँ सीरियल नंबर वहीं से शुरू हो और वहीं पे खत्म। तो मैंने क्या किया, पहले मैं 5 को लिंक कर दिया, फिर नीचे दूसरे में फॉर्मूला लिखूंगा कि इफ ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है हमारे एंड से, तो यहाँ पे कर दे ब्लैंक, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे। सिक्स आ गया सर, दिखा के नहीं सर? देखिए नहीं, कैसे आया सर, दोबारा देखना पड़ेगा। हमने बोला कि E5 जो वन ऊपर वन लिखा हुआ है उसमें, छोटा वन सा कहाँ लिखा सर, मैं तो देख रहा हूँ। यहाँ 5 लिखा है सर, 5। बराबर हट के जाना है। हाँ अब दिख रहा है सर, E5 में 5 में प्लस 1 किया, अगर 5 में प्लस 1 करने पे उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 20 है, दिख रहा है 20 सर, ऐसा होगा तो S2 ब्लैंक। क्या बोले? तो ओके, नहीं तो E5+1 ओके। नहीं तो सीक्वेंस बना दो, मतलब कि अगर इसमें प्लस 1 करने, मान लीजिए कि यहाँ 5 होता, प्लस 1 करने पे 6 हो जाता, तो 6 आने हाँ क्या हो जाएगा, ब्लैंक शो ठीक कर है देगा। जी, नहीं 6 नहीं है, ठीक है मतलब ठीक कि 5 है 1 प्लस 6 20 है, तो इसने प्लस 1 कर दिया। अब ठीक नीचे है जी। ड्रैग करेंगे, दिक्कत है ना सर, क्योंकि ये जो आप एज 5 है वो क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉलर का निशान लगाना चाहिए। जी हाँ दोनों के निशान लगाना चाहिए। फिर नीचे के तो इसको ड्रैग कर दें। अब प्रॉब्लम होगी, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, 20वें के बाद एरर आ रहा है, क्यों? हमने आपको बताया था ना, क्योंकि ट्वेंटी क्योंकि हमने जो ब्लैंक दिया ना यहाँ पे ऊपर, जो ब्लैंक है, ठीक ब्लैंक है ना, उसमें वो प्लस वन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तो जाहिर सी बात है कि ब्लैंक मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट में तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, क्या हाँ सर? और ऐसे भी मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो मिल चुका है। अब ये जो हाँ अननेसेसरी मैंने ऐसे रख रखा है, किसी ने अगर 100 डाल दिया, 200 डाल दिया, तो नीचे तक फॉर्मूला लगा रहे, तो मैं चाहता हूँ ये एरर ना दिखे, समझ गए? अच्छा तो उस केस में हम फॉर्मूला के स्टार्टिंग में इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ एरर का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर दो इनपुट होती है, वैल्यू और एरर। मतलब एक जो फॉर्मूला आपने पहले से लगा रखा है वो इफ एरर के पहले पार्ट में डाल दे, और दूसरे पार्ट में जो एरर के जगह पे शो करना चाहते हैं, तो मैं ब्लैंक शो करना चाहता हूँ। तो ब्लैंक के लिए क्या करते हैं, इनवर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, ठीक है सर? ओके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि 20 के बाद के जितने भी ब्लैंक ए थे, एरर थे, वो गायब हो गए। अब ओके यहाँ, ओके पर मैं 25 करूंगा तो 25 तक का बन गया सीक्वेंस। मैं यहाँ पे 50 करूंगा तो 50 तक का सीक्वेंस बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 30 to 50 हो, यहाँ पे 30 किया तो देखिए 30 to 50 हो गया। और सीक्वेंस ही नहीं, मैं चाहता हूँ डेट हो, तो हमने यहाँ पे एक एक मतलब 1 जनवरी से लेके मैं चाहता हूँ 31 मार्च तक हो, ठीक है? तो 31 मार्च, सॉरी, ओके ओ सॉरी, ये हमारा 31/3। हाँ
ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, डेट फॉर्मेट में कर दीजिए इसको, हो गया सर 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो ओके डेट भी ला सकते हैं इस पे आप, टाइम भी ला सकते हो आप। वाह, ये बड़ा अच्छा यूज किया सर आपने। तो स्टार मतलब सीक्वेंस नंबर आप अपने हिसाब से ला सकते हो, जैसे कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं पता है, जैसे आपके पास पूरे साल का डेटा है बट आप चाहते हो एक पीरियड का डेटा शो करना, तो आपने इसका अगर ओके पीरियड डाला, अब इसके आगे हम वीलुकअप लगा लेंगे डेट के हिसाब से, अगर डेटा यूनिक ना हो तो, अगर डेटा यूनिक है तो फिर समिप लगा लेंगे, सबमिट कैसे सर? जैसे कि मान लीजिए आपको देखना है कि एक दिन में कितने सेल हुए हैं, टोटल अमाउंट कितना होगा, तो वहां पर तो एक दिन में तो बहुत सारे सेल हुए होंगे ना सर, तो वहां पे सम इफ लगेगा, और आगे कैसे बताऊंगा मैं आपको, अगर नहीं डेट वाइज एक एक डेट की एक एंट्री है तो वीलुकअप लग जाएगा, तो ये सब चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आगे बताने के लिए प्रिपरेशन जरूरी है ना सर। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लगाया जाता है, इफ में लॉजिकल ऑपरेटर क्या फंडा है, उसके बाद हमने इफ के कुछ एग्जांपल दिए, साथ में हमने ब्लैंक्स के बारे में बताया आपको, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स इफ के देखे। अब एक एग्जांपल में छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आपको रिसर्च करना है। यहाँ आप देख पाएंगे जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे नंबर आ जाता है, ऐसा ना सर, जैसे मैंने यहाँ पे ओम लिख के एंटर मारा नंबर आ गया सर, ठीक है जी, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने एक रो छोड़ दिया और फिर इसमें ओम लिखा, क्या लगा एंटर मारने पे आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा। अब आपको यही पता करना है कि क्यों नहीं आएगा और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है? अगर वहां पे ब्लैंक है ना, अगर वहां पे कुछ होता तो वो ले लेता। हाँ तो कुछ और ढूंढिए तरीका, हमें चाहिए, ये तो रिसर्च है आपका,